श्राद्ध के दिन जब लोग गंगा के किनारे जाते हैं और अपने पूर्वज का पुरखों का जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए श्राद्ध करते हैं, तो माना ही जाता है घर से लोग खीर पूरी ये सब बना के ले जाते हैं गंगा किनारे, वहां रख देते हैं। कौआ आता है उसको चख लेता है, खा लेता है। तो मान्यता यह है कि अगर कौए ने चख लिया तो लोग समझते हैं उन्होंने खा लिया। अब देखिए एक मां अपने बच्चे के साथ आई हुई है अपने हस्बैंड के लिए, उसके हस्बैंड नहीं है। अब खीर पूरी रखी हुई है गंगा किनारे, बेटा खड़ा है मां के साथ, इतने में कौए की तरफ देख रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, पेट सबका भरा लग रहा है, दूर से देखा है आ रहे हैं। आया 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 आया, लगा खाएगा 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 और नहीं खाया और निकल गया, फिर उधर से लहरा के आया पतंग की तरह, फिर आया 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 लगा खाया खाया खाएगा खाएगा नहीं खाया और निकल गया। तो इतने में लड़का बोलता है, अम्मा अम्मा तुम अंदर बैठो जाके, पिताजी आज भी आपसे डरते हैं। इतने में कौवा फिर आ रहा है, आया आया और इनका नहीं खाया, बाजू वाले दूसरे का खा के निकल गया, फिर लहराते हुए आया इनका नहीं खाया, फिर बाजू वाले खा के निकल गया। ये रोने लगी, माताजी इनकी शुरू से आदत है, हमारे हाथ का तो इनको अच्छा लगता ही नहीं, कभी शर्माइन के हाथ का खाते कभी शुक्लाइन के हाथ का।